तो क्या आप लोगों से भी गलती हो सकती है यार, मतलब हेलो क्या ये होपफुली हम इंसान हैं और गलती इंसानों से होती है, कम हुई होगी लेकिन कुछ कम कम हुई होंगी या कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी हुई हैं गलतियाँ? अल्लाह का शुक्र है आई थिंक इतनी बड़ी नहीं हुई कि आज हम यहाँ बैठ ना सकें। शुक्र बड़ी बात है क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ हो जाता है अपनी वजह से, अपनी गलती, बच्चों की, फैमिली की, कोई ना कोई एक होता है जो कि मुंह काला करा सकता है, यू नो एनीथिंग, क्योंकि लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, ना चाहते हुए भी एक्सीडेंटली कुछ, अल्लाह माफी, रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग टाइम, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट और गए काम से, गलत चीज में आपने मतलब आप तो आपकी कई दफा छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि उसमें चीजें शामिल होना शुरू हो जाती है। सो वो वाली गलतियाँ अल्लाह का शुक्र आई थिंक हम लोगों ने नहीं की है, अल्हम्दुलिल्लाह हुई है हमसे, अल्लाह छोटी मोटी होती है, बेवकूफियाँ कह लें आप, कई दफा आप थोड़े गलेबल भी होते हैं, शायद एक टाइम होता है कि आप चीजों को जल्दी मान लेते हैं, जल्दी आप ट्रस्ट कर लेते हैं। अच्छा देखिए हर एज की गलती अलग होती है, बचपने की गलती अलग है, टीन एज की गलती अलग है, ट्वेंटीज थर्टीज की गलती अलग है, सब मतलब समझ नहीं आती कि कौन सी गलतियां ज्यादा नुकसान पहुंचा के गई हैं, ये नहीं समझ सकता इंसान, और कौन सी गलतियाँ कभी कभार आपको गलतियाँ फायदा भी पहुँचा के जाती, सीख दे के जाती, सीख दे के जाती। तो आइए शुरू करते हैं गलतियाँ। पहली गलती है ना, आप दिखा रहे हैं हम, जी क्या किया मैंने, एक्सपेंसिव शूज एंड बैग्स, माफ बहुत नहीं, पता क्यों, एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, शौकीनी हम सबको होती है और है, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला ने अगर थोड़ी सी हिस्स दी है तो चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, पसंद भी आती है, बिल्कुल, लेकिन आई फील कि अब हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, मतलब अच्छा पहले मुझे याद है कि इनफैक्ट मैंने कॉलेज के ज़माने में अपने लिए सबसे जो मैं कहती हूँ कीमती चीज़ जो खरीदी वो एक्चुअली एक बैग ही था, बड़ी अपने वो पैसे जोड़ कर, जो आप मून लाइटिंग करते ना स्टूडेंट्स अपना काम वाम कर रहे होते हैं वो पैसे बचा कर, लेकिन वो बैग मैं आज तक यूज़ कर रही हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों क्यों, क्योंकि इट वॉज़ अ प्योर लेदर बैग, ओके, वो ना ख़राब हुआ, वो एक अच्छी कंपनी का, एक अच्छे ब्रांड का था, ना वेरी प्राउड ऑफ दैट ब्रांड, पाकिस्तानी ब्रांड है, उसका बैग था, वो मैं आज तक यूज़ कर रही हूँ, वाइट लेदर का बैग, वो अभी तक ख़राब नहीं, वाइट नहीं ख़राब हुआ, हैरत है भाई, संभाल के रखा होगा, हाँ नहीं इतना है कि इतनी अब आपकी एक क्लिप निकल के ब्रांड चलाती रहेगी, लेकिन आई एम सो प्राउड ऑफ इट कि वो मेरा ख़राब नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद हम जब पैसे थोड़े ज़्यादा भी हो गए, अब आप चीज़ें खरीदते हैं, आप बाहर जाते हैं, आप लेते हैं, पहले ब्रांड्स की क्वालिटी कुछ और होती थी, सही बात है, और वो प्योर लेदर होता था, वो भी ख़राब नहीं होते थे, तो अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट करी दी है एक एक्सपेंसिव चीज़ में तो ख़राब नहीं होते थे, आप बड़े बड़े नामों के ब्रांड्स भी जो हैं वो लेदराइट यूज़ करते हैं, वो लेदर यूज़ नहीं करते, तो ये आपकी गलती है कि नहीं है, मुझे समझ नहीं, ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि एहसास नहीं हुआ ना कि आप इतना पैसा जो ज़ाया कर रहे हैं, जो चीज़ आप ले रहे हैं वो तो प्योर लेदर ही नहीं है, तो थोड़ा सा सोच समझ के इंसान को चीज़ खरीदनी चाहिए, वो यही हुआ कि वो जो कुछ ऐसे थे वो एक दिन हम पे इंकशाफ हुआ कि जब हम यहाँ नहीं थे साल भर के बाद वापस आए तो वो माशाल्लाह कराची की गर्मी में वो सारी यूं करके नीचे उसके कपड़ा है ऊपर से वो झिल्ली की तरह से हर चीज़ ब्रांडेड बैग्स के साथ भी ये हुआ है, यही बात है, ब्रांडेड बैग्स के साथ, एक्सपेंसिव बैग्स की बात कर रही हूँ, एक्सपेंसिव ब्रांड्स, मगर वो लोग आपने यही सोचा कि ये तो लेदर है, इतना महंगा है भाई, चमड़ा तो होगा ना, रियल ओरिजिनल, नो इट्स लेदराइट, और वो ऊपर से बिल्कुल झिल्ली की तरह से अलग से उतरा था, यानी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते आज, अब आपको देखना पड़ेगा, देखभाल के खर्च करना चाहिए, तो उससे बड़ा नुकसान उठाया, बड़ा दिल खराब हुआ, मतलब यूं उठा के चीजें फेंकी है मैंने।